हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। मैं राजू जहांगीर लेकर के आया हूं आपके लिए साइंस सब्जेक्ट, आपके लिए मतलब क्लास 8 के लिए क्लास लेकर आया हूं। कुछ निजी कारणों से कल आपकी क्लास नहीं ले पाया था, उसके लिए पहले तो आपसे माफी चाहता हूँ, और जो आपको असुविधा हुई है उसके लिए सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, यानी असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता हूँ अपने आप को। पर बेटा कुछ ऐसे हो जाते हैं कभी कभार निजी कारण, जिसकी वजह से स्कूल नहीं आया जा सकता, और इस कारण से कुछ ऐसा ही कोई निजी कारण हो गया था, इस कारण से कल आपकी क्लास नहीं ले पाया। आज आ गया हूँ वापस आपको पढ़ाने के लिए। हेल्थ उतनी अच्छी नहीं है, सेहत उतनी अच्छी नहीं है, आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा, बट फिर भी आपको पढ़ाने के लिए अवश्य आया हूँ। हम बात कर रहे थे सेकेंड चैप्टर ही कह देता हूँ जो हम पढ़ रहे थे, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक पढ़ रहे थे हम। और आज हम आखिरी क्लास है इस चैप्टर की, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर हम क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। हमने सबसे पहले सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े, उसमें अलग अलग टाइप्स पढ़े थे सिंथेटिक फाइबर्स के, फिर प्लास्टिक स्टार्ट किया था, प्लास्टिक में भी हमने टाई पढ़े। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट 3.5। आपकी बुक में है ना 3.5 पेज नंबर कह देता हूँ, वो है 54 पेज नंबर। आपकी बुक में 54 पेज नंबर 55 पर क्या है, प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट है, यानी कि प्लास्टिक और पर्यावरण। अब प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट के बारे में आपको ज़्यादा कहना मैं नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप सबको मालूम है कि प्लास्टिक और पर्यावरण का रिलेशन कैसे होता है। हम जब भी बाजार में जाते हैं, कुछ भी अगर सामान लेकर आते हैं, तो हमारे को जो शॉपकीपर होता है, वो कोई भी सामान होता है वो प्लास्टिक के जो बैग्स होते हैं उसमें डाल करके दे देता है, देता है ना, हम सबको मालूम है दे देता है। कई बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट कोई आदेश जारी कर देती है कि अब सिंगल यूज जो प्लास्टिक होता है, सिंगल यूज का मीन्स ऐसा प्लास्टिक जो एक बार हम यूज करते हैं फिर फेंक देते हैं, जैसे सारे जो पैकिंग्स आती है, चाहे बिस्किट्स की हो गई एंड अदर मेनी सारी, बहुत सारी होती है ऐसी आइटम्स होते हैं, फूड आइटम्स भी होते हैं जिसको प्लास्टिक में पैक किया जाता है, उसको सिंगल यूज प्लास्टिक आ जाता है। सिंगल यूज यानी हम उसका एक बार उपयोग कर सकते हैं, कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन कर दिया जाएगा, बहुत बार ऐसा सरकार कहती है, लेकिन जब तक उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं आता बेटा, प्लास्टिक बैन होने वाला नहीं है। हम बहुत बार सुनते हैं ना ऐसा कि प्लास्टिक पर बैन लगे, आप तो पॉलीथीन की थैलियां आती नहीं है हमारे को, वो कागज का एक बैग आता है, कागज के छोटे छोटे पैकेट आते हैं, उसमें डाल करके फिर देता है, फिर वो थोड़े एक दिन चलता है, फिर वापस वही प्लास्टिक आना शुरू हो जाता है। जब तक उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं आ जाता तब तक प्लास्टिक बंद होने वाला नहीं है, उसका कोई विकल्प नहीं आता तब तक प्लास्टिक बैन होगा नहीं। तो इस प्रकार ये प्लास्टिक होता है, और अक्सर पूरे संसार में मेजर प्रॉब्लम है प्लास्टिक की। फिर क्या होता है, आपको पता है प्लास्टिक है नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोले तो उसका अपघटन नहीं होता है, उसको सड़ने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। आप पता होगा कहीं जैसे आप खड्डा खोदते हैं, बहुत गहरा खड्डा, और वहां पर अक्सर प्लास्टिक की थैलियां हजार साल बाद भी आती है, इतनी जमीन के अंदर होने के बावजूद भी प्लास्टिक सड़ता नहीं है, देख लो। तो फिर वही हम खाना लेके आते हैं उसी प्लास्टिक के पैकेट्स में, फिर हम तो पूरा खाते हैं नहीं खाते हैं ऐसे ही, फिर उसको बाहर फेंक देते हैं। अब बाहर फेंक देते हैं, कोई जानवर आता है, जानवर उसको खा लेता है, वो तो इतना नॉलेजेबल है नहीं कि इसको खाने से मेरे को क्या नुकसान हो जाएगा, तो उसको इतनी परवाह नहीं करता है, उसको अच्छा लगता है, इस कारण से वो खा लेता है। और खाने के बाद आप देखो, अगर 1000 ईयर लग जाता है जमीन के अंदर सड़ने में, तो वो उस जानवर के पेट में जाकर कितना नुकसान पहुंचाएगा, और फिर वो खा लेता है, और आखिरकार बहुत दिन हो जाते हैं उसके बाद में, उसकी पेट में जमा हो जाता है, उसकी आंतों में वो प्लास्टिक जम जाता है, और उसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, एक बेसहारे जानवर की मृत्यु हो जाती है। ये देखो ऐसे प्लास्टिक बहुत नुकसानदायक होता है। उसके बाद अगर आप जलाते हैं तो जलाने से भी क्या होता है, उसे विषैली गैसेस निकलती है, अगर आप जला दोगे विषैली गैसें निकलेगी, उससे भी पर्यावरण को नुकसान होगा। तो इस प्रकार हमने पढ़ा है प्लास्टिक के बारे में, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट, उसमें आपकी बुक में डैमेज दे रखे हैं कॉज बाय प्लास्टिक वेस्ट के, कि प्लास्टिक
जो का कचरा होता है या प्लास्टिक आपसी से नुकसान क्या होते हैं, तो आपकी लिखा हुआ जैसे जो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं उसको चोक कर देता है, चोक का मीन्स होता है अवरुद्ध कर देते हैं, नालों में फंस जाते हैं जिससे नाले रुक जाते हैं। उसके अलावा आपको मैंने बता दिया ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जो कि नेचुरल मैन्योर के अंदर कन्वर्ट नहीं होता है। उसके अलावा अगर हम उसको खेतों में फैला दिया जाता प्लास्टिक को तो उस वो भी नुकसान करता है, प्लांट पर एडवर्स इफेक्ट डालता है, जैसे कि वो ग्राउंड वाटर को क्या कर देगा, रिचार्जिंग कर देगा। उसके अलावा अगर जला दिया जाता तो बहुत हार्मफुल गैसेस निकलती है जिससे एयर पॉल्यूशन हो जाती है। उसके अलावा जो भटकती हुई गायें होती है, अदर एनिमल्स होते हैं, वो मैंने आपको बोला कि वो ढेर में से खा लेते हैं, फिर उनके पेट में जमा हो जाता है, फिर बहुत उसको यानी डेथ का कारण बन जाता है उनके लिए। मैं जस्ट बात करूंगा कि कौन से कंट्रोल कर सकते हैं इस प्लास्टिक के प्रॉब्लम्स को, तो हमारे को सबसे पहले तो अवॉइड रहना चाहिए प्लास्टिक बैग्स का यूज करने के लिए जहां तक संभव हो सके। मैंने आपको बताया कि जहां तक कोई अल्टरनेटिव नहीं आता तब तक पॉलीथीन बंद नहीं हो सकता, यानी उसकी जगह आप ऐसा यूज कर सकते हैं कि शॉपिंग के लिए जाएं घर से कपड़े का थैला लेकर जाएं, ताकि आप प्लास्टिक का यूज नहीं कर सकते। उसके अलावा कोई भी बायोडिग्रेडेबल या कोई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है उसको आप सेपरेटली अलग अलग करें, ताकि क्या हो सके आपके घरों के अंदर भी कचरा होता है। देखो घरों के अंदर ग्रामीण में क्या होता है, ऐसे ही कचरे को फेंक दिया जाता है बाहर, फिर वो प्लास्टिक की थैलियां उड़ती जाती है, पता नहीं कहाँ की थैली कहाँ चली जाती है। बल्कि शहरों में क्या होता है, शहरों के अंदर तो ऐसे फेंक नहीं सकते कचरा, तो घरों में इकट्ठा करना पड़ता है कि एक डस्टबिन के अंदर, फिर सप्ताह भर के बाद में एक नगर पालिका का वाहन आता है, फिर वो बाल्टी उसके अंदर खाली करनी पड़ती है, उस डस्टबिन खाली करना पड़ता है। तब वो क्या करता है, सबसे पहले ही वो जो पॉलीथीन के होते हैं उसको अलग करता है, दूसरा यानी बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेट करता है, ताकि वो जहां पर कचरा डालता है वहां पर नॉन बायोडिग्रेडेबल वाला नहीं डालेगा उसका कोई अलग। उसके अलावा जैसे कैर आपको प्लास्टिक के रैपर्स वगैरह होते हैं वो रोड पर नहीं फेंकने चाहिए, जो क्योंकि वो सीवेज सिस्टम को चो कर देते हैं, सीवेज सिस्टम को क्लोजिंग हो जाती है। उसके अलावा एक सिटीजन रेस्पॉन्सिबल होने के नाते 4R प्रिंसिपल जो होता है, 4R थ्योरी जो होती है उसका पालन करना चाहिए। उसमें जैसे रिड्यूस होता है कम उपयोग करना, रीयूज यानी वापस उपयोग करना, रिसाइकल यानी उसका पुनः चक्रण करना, एंड देन रिकवर यानी कि वही सब मीन्स होता है, रिकवर का मीन्स भी कि आप कैसी भी चीज़ हो प्लास्टिक हो उसको अक्सर ज़्यादा बार यूज करें। इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ये जो प्लास्टिक हम फाइबर्स पढ़ रहे थे ये चैप्टर इस प्रकार से पूरा होता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो अब हम बेटा क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। कौन से क्वेश्चन आंसर करेंगे, सबसे पहले आप अपनी बुक के अंदर ही पेज नंबर निकाल दो, वो मैं जो बोलता हूँ वो पेज नंबर निकाल दो, 57 पेज नंबर जहां लिखा हुआ है NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, NCERT टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज। हाँ, इसके अंदर अब देखना फर्स्ट क्वेश्चन है और पहला है एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक। एक्सप्लेन करना है कि व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक, कि आपको समझाना है कि कुछ रेशे संश्लेषित क्यों होते हैं। अब बेटा क्यों होते हैं आपको भी पता है, वो क्या आर्टिफिशियल सोर्स से प्राप्त होते हैं तो वो सिंथेटिक हो जाएंगे, मैन मेड से आपको प्राप्त होते हैं तो इतना लिख देना है सम फाइबर आर कॉल्ड सिंथेटिक। आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट, क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्लेन व्हाई सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक, तो लिखना सम फाइबर्स आर कॉल्ड, सम फाइबर्स आर कॉल्ड सिंथेटिक बिकॉज, क्यों क्यों बिकॉज यानी उसका कारण क्या होता है, क्या कारण होता है, तो लिखना दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम, दीज फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम आर्टिफिशियल सोर्स, ARTIFICIAL आर्टिफिशियल SOURCES सोर्सेज, आर्टिफिशियल सोर्सेज से प्राप्त होने के कारण हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। अब बात करूंगा क्वेश्चन सेकंड, दूसरा क्वेश्चन है बेटा मार्क द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर है वहां पर आपको मार्क करना है, क्या है रेयन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, रेयन सिंथेटिक फाइबर से अलग है। अब क्यों अलग है,
रेयन सिंथेटिक फाइबर से अलग है, क्यों है? फर्स्ट है ये सिल्क लाइक अपीयरेंस, यानी दिखने में रेशम जैसा होता है। फिर है उसको वुड पल्प से प्राप्त किया जाता है। इसके अलावा इट्स फाइबर कैन ऑल्सो बीन वूवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, यानी इसको कैसे जिस प्रकार प्राकृतिक रेशों को सिला जाता है वैसे इनको सिला जाता है। तो आप भी देखो क्या होगा इसका कारण, इसका आंसर होगा ए, सिल्क लाइक अपीयरेंस होता है। ए आंसर होगा सिल्क लाइक अपीयरेंस होता है। सिंथेटिक फाइबर क्यों कहते हैं? ये रेशम जैसा अपीयरेंस होता है। देखो वुड पल्प से प्राप्त होता है, अब वुड पल्प से प्राप्त होता है तो क्या होता है आपको पता होगा, हमने पढ़ा था ना इसको सिंथेटिक सिल्क कहते हैं, नकली रेशम भी कहा जाता है। इस कारण से सिल्क जैसा होने के कारण सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है बस। बाकी ये वुड पल्प से प्राप्त होता है, लेकिन वुड तो नेचुरल सोर्स है तो बी तो आ नहीं सकता। और लास्ट वाला है नेचुरल फाइबर जैसे ही उसको सिला जाता है, तो वो भी उसमें भी प्राकृतिक स्रोतों की बात की गई है, तो आपका कौन सा आएगा? ए नंबर का आएगा। अब बात करूंगा आगे, पेज नंबर निकालो बेटा 58। क्वेश्चन है थर्ड, थर्ड में भी आंसर लिखूंगा फिल इन द ब्लैंक्स है। देखो बेटा फर्स्ट है सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो कॉल्ड, तो आर्टिफिशियल या मैन मेड फाइबर, बहुत इजी है। सिंथेटिक फाइबर के दूसरे नाम क्या है? तो पहली खाली जगह में तो आएगा आर्टिफिशियल, ए आर टी आई एफ आई सी आई एल, आर्टिफिशियल। और दूसरी खाली जगह है ना, ये फर्स्ट खाली जगह, दूसरी खाली जगह में लिख दो मैन मेड, इंसान के द्वारा बनाया गया। ये तीसरी की पहली खाली जगह थी, अब दूसरी खाली जगह, और दूसरी खाली जगह कहती है सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसिस फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड, यानी सिंथेटिक रेशों को, संश्लेषित रेशों को कच्चे पदार्थ से प्राप्त किया जाता है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहा जाता है। लिख देना पेट्रोलियम प्रोडक्ट, पी आर ओ डी यू सी टी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट कहा जाता है। कच्चे पदार्थों को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही कहा जाता है। एंड सी खाली जगह है लाइक सिंथेटिक फाइबर प्लास्टिक इज ऑल्सो ए, संश्लेषित रेशे के जैसे प्लास्टिक भी क्या है? तो प्लास्टिक भी सिंथेटिक फाइबर ही है। प्लास्टिक इज ऑल्सो सिंथेटिक फाइबर, हमने देखो पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? हमने जब प्लास्टिक शुरू किया था तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बात की थी कि रेशे कैसे तैयार किए जाते हैं। तो रेशे के पहले क्या होता है? रेशे का गाढ़ा पदार्थ होता है। गाढ़ा पदार्थ क्या दूं, यानी कि एक थिक लिक्विड होता है, उसकी जो उसे छलनी होती है, उस छलनी में से उसको निकाला जाता है, तब पतला रेशा प्राप्त किया जाता है। तभी प्राप्त किया जाता है पतला रेशा। जबकि अगर कोई वही पदार्थ अगर सॉलिड ही रख दिया जाए, उसको सॉलिड पर उसको जमने दिया जाए, तो वो ऐसे क्या होगा? वो भी एक प्लास्टिक ही होगा। तो यानी कि इस कारण से सिंथेटिक फाइबर आएगा। बात करूंगा क्वेश्चन फोर्थ की, गिव एग्जांपल्स, उदाहरण दीजिए विच इंडिकेट, जो इंडिकेट करते हैं दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रांग। आपको ऐसा कोई संकेत करना है जैसे आप बता सकते हो कि नायलॉन फाइबर बहुत क्या होता है, मजबूत होता है। अब बहुत मजबूत का एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हो ये कि एक तो सर इसे क्लाइंबिंग के लिए रस्सियां बनाई जाती है। अब रस्सी तो बहुत मजबूत होती है, नायलॉन की बनाई जाती है, तो एक तो ये रीजन, यही रीजन हो गया फॉर मेकिंग रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। तो आंसर क्या लिखोगे? पहले वो उसके अंदर से ही लिखना क्या है, गिव एग्जांपल व्हिच इंडिकेट दैट नायलॉन फाइबर आर वेरी स्ट्रांग। सीधा डायरेक्ट लिख देना यहाँ पे, ये फोर्थ क्वेश्चन है, आंसर लिख रहा हूं, और आप अपनी बुक में सीधे लिख देना ई एक्स ए एम पी एल ई एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल ही पूछा है कि ऐसा कोई एग्जाम्पल लिखिए जो ये शो करता है कि नायलॉन बहुत मजबूत होता है, तो डायरेक्टली लिख देना। क्या लिखोगे? तो आप लिखोगे मेकिंग रोप्स फॉर रॉक क्लाइंबिंग। मेकिंग रोप्स, एम ए के आई एन जी, मेकिंग आर ओ पी एस रोप्स फॉर आर ओ सी के रॉक सी एल आई एम बी आई एन जी, बस यही आंसर है। यानी कि रॉक क्लाइंबिंग के लिए, चट्टान की चटाई के लिए रस्सियां बनाना, ये उदाहरण है जिससे हमारे को पता चल जाता है। अब इतना कोई भी आदमी होगा वो ऊपर चढ़ेगा, रॉक पर चढ़ेगा, तभी जाकर के क्या होगा, तब पता चल जाएगा ना रस्सी मजबूत है, नहीं थोड़ी चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि रस्सी मजबूत है या नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद में आगे वाले जो क्वेश्चन है,
वो क्वेश्चन हम हमारी अगली क्लासों में करते जाएंगे, ठीक है ना। आज इतना बस है, पहले हमने क्या किया, प्लास्टिक एंड एनवायरमेंट टॉपिक पढ़ा, उसके बाद में होमवर्क के रूप में आपको ये क्वेश्चन दे दिया मैंने फर्स्ट टू फोर्थ तक। तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 1-4, 1-4 तक जो क्वेश्चन आंसर है, ये क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में ये करने हैं। बाकी हमारी जब भी आगे वाली क्लासे होगी, उन आगे वाली क्लासों में भी हम ऐसे ही पढ़ते जाएंगे और आपको सारे क्वेश्चन में भी ट्रांसफर करवाऊंगा, क्योंकि आपको अगर नहीं मिलेंगे, अगर मिले जैसे क्वेश्चन है तो मैं आपको बुक में नोट करवा दूंगा, बुक में बता दूंगा कि बेटा ये यहाँ से आपको करना है। बाकी सारे मैं ऐसे दुविधा भी नहीं डालूंगा, मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर लिखवा दूंगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ, कल वापस लौटूंगा, तब तक के लिए ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूँ आपको सुरक्षित रखें, आपके पूरे परिवार को सुरक्षित रखें, बेटा मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। अब चलता हूँ मैं, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।